नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे हेयर प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहे हैं जो आजकल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, जिसका टीवी पे काफ़ी एड वगैरह आ रहा है। ये कंपनी इस प्रोडक्ट की बहुत स्ट्रांग मार्केटिंग कर रही है और ये प्रोडक्ट है लिवॉन हेयर गेन टॉनिक। तो क्या सच में लिवॉन हेयर गेन टॉनिक बालों को फिर से उगाता है, हेयर फॉल को रोकता है? अगर वाकई में रोकता है तो इसमें कितना वक्त लगता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, किन लोगों पे ये कारगर है, किस तरह के हेयर फॉल को ये रोकता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की सोच रहे हैं या किसी ने आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फिर डिसाइड करें कि आप इसे यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी दावा करती है कि अगर आप 90 डेज तक इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये कंपनी के पैकेट पे साफ साफ लिखा है, बट इस स्टेटमेंट के साथ उस पर एक कंडीशन अप्लाइड का स्टार भी लगा हुआ है, मतलब कि ये नेचुरल हेयर फॉल को नहीं रोकता है। ये टॉनिक मार्केट में 150 ml की बॉटल में 680 रुपीस के आसपास मिलता है। जब आप इसकी बॉटल को ओपन करेंगे तो इसमें एक नोजल दिया है जिसकी हेल्प से आप इसे बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। आपको इससे मसाज नहीं करना है, बस अफेक्टेड एरिया में हल्के हाथों से बालों की जड़ों में लगाना है। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स की, ये किन किन इन्ग्रीडियंट्स से मिल के बना है, तो वो है एक्वा, एथेनॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, PG-12 डाइमेथिकोन, पॉलीसॉर्बेट 20 पेंथेनॉल, फ्रीज्ड एलोवेरा, पायरीडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर पेप्टाइड PG-40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, PG-6 कैप्रिक ग्लाइसराइड्स फ्रेग्रेंस, CI-42090, CI-16255, CI-19140। तो दोस्तों, ये इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है। कंपनी का ये कहना है कि ये सारे केमिकल्स बालों की रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हेयर ग्रोथ को एनहांस करते हैं। अब एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड जिसको काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, उस मतलब वो ऐसे अगर अपने सर पे हाथ लगा दे तो 8-9 बाल उसके हाथ में आ जाते थे। उसको किसी ने ये टॉनिक सजेस्ट किया कि आप लिवॉन का एक टॉनिक आया है, हेयर फॉल को रोकता है, उसको यूज़ करो। तो उसने टॉनिक को यूज़ करना स्टार्ट किया और विद इन 1.5 मंथ उसका हेयर फॉल पूरी तरह से रुक गया। हम सब भी काफ़ी मतलब खुश थे कि यार चलो सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी कभी प्रॉब्लम होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि उसने 1.5 मंथ के बाद टॉनिक यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि हेयर फॉल अब नहीं हो रहा था। लेकिन बंद करने के कुछ हफ्तों के बाद उसका हेयर फॉल डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ गया। इस टाइम वो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है अपने हेयर फॉल को लेके और उसने इस टॉनिक को यूज़ करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। हम उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये सारे केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत डेंजरस हैं। मतलब अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसके केमिकल्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इनसे स्किन कैंसर तक हो सकता है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल पे गूगल पे पढ़ सकते हो। तो इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि उनसे स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रीफ में इसके गुड और बैड बता देता हूं, फिर आप के ऊपर है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो कि नहीं। गुड इसमें यह है कि यह प्रोडक्ट एक तो हेयर फॉल को रोकता है, क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ है तो ये हेयर फॉल को तो रोक देगा। आपको कैसा भी हेयर फॉल हो, ये उसको जेन्युइनली रोक देगा फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन रोक देगा। सेकेंड चीज़, ये ईजिली अवेलेबल है, आप इसको कहीं से भी किसी भी शॉप से खरीद सकते हो। थर्ड थिंग, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये कूल इफेक्ट देता है जो कि काफ़ी नेचुरल लगता है, बट ये नेचुरल नहीं है, वो सिर्फ उसका केमिकल है, उसमें फ्रीज्ड एलोवेरा पड़ा होता है जिसकी वजह से वो एक कूल इफेक्ट देता है। अगर मैं इसके बैड के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे स्किन कैंसर तक हो सकता है। सेकेंड थिंग, इसका प्राइस बहुत हाई है। एक बार जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे और जब जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को बंद करोगे तो आपका हेयर फॉल डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ जाएगा।
जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, और फिर ज़िंदगी भर आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। और अगर आप रेगुलर मतलब 1-1.5 साल तक इसको यूज़ करते हो तो स्किन कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना इसका टीवी पे ऐड आ रहा है, इतना पॉपुलर है, तो यार ऐसा थोड़ी हो सकता है इसमें स्किन कैंसर हो या इसके इतना ख़तरनाक हो सकता है। तो एक चीज़ बहुत साफ है कि उस कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे रहो, आपके बाल झड़ना रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, उन्हें बस पैसा कमाना है। उनका मतलब सिर्फ पैसे से है, वो सारा पैसा इसीलिए मार्केटिंग में लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट नेचुरल नहीं है, इसमें केमिकल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप मुझसे कहें कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करें कि नहीं करें तो मैं मना करूँगा। अगर आपको केमिकल ही यूज़ करना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो केमिकल यूज़ करो जो वो सजेस्ट कर रहा है, ना कि वो कि जो कि आपको पता है कि जो केमिकल ख़राब है आपके लिए। तो एक बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी भी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करो या ख़रीदने दुकान पे जाओ, ख़ास करके जब वो आपके स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो, तो एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लो कि वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है, और उस इंग्रेडिएंट्स की डिटेल ले लो कि यार उसको यूज़ करना सही भी है कि नहीं सही है। हम करते क्या है कि हम ऐड देखते हैं, हमें ऐड बहुत अच्छा लगता है, हम बस जाके खरीद के ले आते हैं, ये नहीं सोचते कि यार कि उससे क्या बेनिफिट है या उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो इन दी एंड मैं इसको 10 में से 3.5 स्टार दूंगा। इसको आप तभी यूज़ करें जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो और आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा हो और आप इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कुछ टाइम के बाद हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये चीज़ यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर नहीं भी पसंद आई तो कमेंट करके हमें बताओ कि हम कहाँ पे इम्प्रूव करें, हमें कहाँ पे अपनी रिसर्च को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, टेक केयर, स्टे फिट।